तो 16 जुलाई से आपका एक नया सब्जेक्ट प्रारंभ होगा, एक तरीके से पूरी कंप्लीट नई क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो 16 जुलाई को आपका वर्कशॉप सेशन होगा और उसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आपके पूरे सिलेबस के बारे में और जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद जो है आपका 17 के बाद, 17 को शायद संडे पड़ रहा है, मंडे से आपकी क्लासेस यानी 18 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर। तो जो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहले प्राचीन भारत। और इसके बाद एक सब्जेक्ट और हम लेकर के चलेंगे, दो सब्जेक्ट आपके चलेंगे, एक आंसर राइटिंग की क्लास होगी 3 और एक करंट अफेयर्स की क्लास। ये 4 क्लासेस आपके रेगुलर 18 तारीख से कंटिन्यूस हो जाएंगी सुबह से लेकर शाम तक में, ठीक है। और एक सब्जेक्ट इसमें आपका मैं करवाऊंगा, जैसे आंसर राइटिंग की क्लास आपकी तो चल ही रही है रेगुलर अभी है, इसके साथ एक सब्जेक्ट आपका प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास को पिछली बार जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो क्लासेस बहुत ज़्यादा थी, लगभग 103 क्लासेस थी, क्योंकि उसमें मैंने हर एक टॉपिक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रखा था और बहुत बड़े वीडियो के फॉर्म पे वो इतने 103 बन गए थे। इस बार कोशिश रहेगी कि लगभग 45 क्लासेस में इसको कम्प्लीट कराऊँगा, क्योंकि क्लास की ड्यूरेशन बड़ी रहेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को हैंड ओवर करूँगा कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक के साथ साथ देखना है। एक काम आप लोग कर सकते हो हमेशा, जैसे आप लोग की जो क्लासेस चलती हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, या तो अभी आप लोग तो ऑफलाइन हो, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी ये काम करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, तो उस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ आमतौर पर ये काम मैं हमेशा करता हूँ कि जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हो ना, तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले मतलब उसके साथ, जैसे मुझे पता है कि आज मुझे आप लोगों को निवेश मॉडल पढ़ाना है मान लो इकोनॉमी में, तो निवेश मॉडल से किस प्रकार के प्रश्न मेंस में पूछे जा रहे हैं और प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं, मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, वो आपके पास होना चाहिए कंटेंट। अब ये कंटेंट कैसे होगा, ये तो देखो मेंस के पास जो भी आप देख रहे हैं मेंस के क्वेश्चन के आपके पास पूरे के पूरे होने चाहिए आपके पास, चाहे प्रिंट आउट में आप निकलवा लो साइट से मिल जाएगा, या फिर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें होना चाहिए। तो एक रफली आइडिया रहता है कि क्या स्तर है, क्या लेवल है, मतलब एग्जाम में जो पूछा जा रहा है, मुझे जो पढ़ाया जा रहा है, दोनों में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, है ना, क्या मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल पाऊंगा पढ़ने के साथ, और दूसरा आपको प्रीलिम्स में क्या उस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं उस टॉपिक से, तो टॉपिक का इम्पोर्टेंस पता चलता है और टॉपिक के इम्पोर्टेंस के साथ साथ। तो अब जो हम 18 तारीख से क्लास करेंगे, मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों रहे, प्री के और मेंस के, ठीक है। प्री के क्वेश्चन पेपर का मतलब है आप लोग घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रहे जो आप पढ़ रहे हैं, और मेंस का मतलब है कि मेंस का बहुत सारे आते हैं पब्लिकेशन, चाहे वो आप विशाल पब्लिकेशन का एक आता है उसमें आईएएस के क्वेश्चन है सारे के सारे, ऐसे ही यूपीएससी में यूपीपीएससी वगैरह में सेल्फी पब्लिकेशन का आता है, तो कहीं ना कहीं से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यूथ पब्लिकेशन का आता है, कई सारे पब्लिकेशन है जो काम करते हैं, एटलीस्ट अब घटना चक्र भी निकाल रहा है वो मेंस वगैरह की सीरीज, तो ओवरऑल उससे काम आपका बढ़िया बन जाएगा, मतलब एक आइडिया लगने लग जाएगा कि चलो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं उसे सॉल्व हो जाएंगे, और जो मैं पढ़ाया जा मुझे जो पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट जो है वो एग्जाम व्यू पॉइंट से ही है, तो ये बहुत जरूरी है आपका। इससे क्या होगा, डे बाय डे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, हाँ बूस्ट भी होगा, पता चलेगा ना कि भाई क्वेश्चन मैं पढ़ा के कुछ और जा रहा हूँ, या आप क्लास में कुछ और पढ़ रहे हैं और आपसे आंसर ही नहीं निकल रहा है उसका, तो वो माइंडसेट और हम साथ में क्लियर भी कर लेंगे कि आप कहोगे सर देखो ये क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये काम ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं आप लोगों को भी करना चाहिए कि आप कोई सब्जेक्ट चालू करें, जैसे मैं वीकली टारगेट आपको दे रहा हूँ, तो उस टारगेट में आपका जो सब्जेक्ट है ना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ में होने चाहिए, ताकि उस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ आप क्वेश्चन पेपर को माइंडली आप टिक करते जाओ कि हाँ देखो ये मुझसे निकल गया, ये मुझसे निकल गया, यदि नहीं निकल रहा तो इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना है, ये बहुत जरूरी होता है। तो यदि ये दो काम आप मतलब करेंगे साथ में, तो मतलब मेरे ख्याल से आपके अंदर कॉन्फिडेंस मतलब कूट कूट के आ जाएगा। एक काम और साथ में कर सकते हैं, जैसे ही मतलब आपका वो टॉपिक कंप्लीट होता है आप उसमें आंसर राइटिंग कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास पिछले साल है, हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे भी हों जिनसे पिछले साल क्वेश्चन पेपर नहीं पूछे गए हों, खासकर मेंस में, मेंस में मतलब कि एक आयोग के पास जो है एक उसके पास है कि भाई अब जीएस पेपर 1 है तो उसमें लगभग टोटल
तीन चार पांच टॉपिक हैं, उन टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछना है, तो हो सकता है अभी वो कुछ टॉपिक ऐसे हो जो साइलेंट पढ़े हों, जिन पे अभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों, तो ऐसा नहीं कि वो सिलेबस का तो हिस्सा है ना कम से कम, और साथ में एक सिलेबस भी रखें आप, इतना कम से कम अब एक किट आपके पास होनी चाहिए, सिलेबस प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर ये किट आपके पास आपको रखनी है, बिना इसके बात नहीं बन पाएगी। हाँ हाँ ये अभी डिस्कस करेंगे, अभी आप दिखा देना, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना ये, तो हाँ अभी देख कर दिखा देना आपको, तो बस ये काम आप लोगों को करना है सभी, बताओ ठीक रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में आप लोगों को अपनी सिलेबस, तो एक आइडिया सिलेबस में भी टिक करते जाओ कि देखो ये टॉपिक था मेरा कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक था मेरा कंप्लीट हो गया, आइडिया लगेगा कि मैं जो करा रहा हूँ वो किस तरीके से करा रहा हूँ, क्या चीज़ छोड़ रहा हूँ क्या चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, क्या चीज़ आपको खुद से पढ़ लेना है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आपको संस्थान के प्रति भी होता है, जो आप पढ़ रहे हो उसके प्रति भी विश्वास होता है, डे बाय डे ये पता चलता है कि देखो मेरा सिलेबस इतना कवर होता जा रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सारा एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, भरोसा बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, इस परीक्षा को पास करने का एक बड़ा मूल मंत्र ये भी है कि आपके अंदर भरोसा होना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं जो आपका कंटेंट है, बिना भरोसे के जब देखिए कंटेंट पे ही शक करने लग जाएंगे, ये आमतौर पर होता है कि तैयारी करने के दो तीन चार दिन बाद आपको एक मतलब हर सप्ताह एक संदेह होता है चीज़ों को लेकर के, कि जो बुक में पढ़ रहा हूँ क्या ये सही है, जो मैं पढ़ रहा हूँ क्लासेस कर रहा हूँ क्या ये सही है, तो ये संदेह कैसे दूर होगा, जब आप इस पद्धति को साथ में लेकर के चलेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका परीक्षा से कितना लेना देना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या मेंस में वैसी चीजें पूछी जा रही हैं, आयोग के स्तर क्या बन चुके हैं, इस चीज से क्या होगा आपके अंदर दिन प्रतिदिन, और मेरा सिलेबस का कितना हिस्सा कवर होता जा रहा है, क्या मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ, सिलेबस से भटक तो नहीं रहा हूं, रिलेवेंट कितना है, लेवल कैसा है, क्वेश्चन पूछा कैसा जा रहा है, चलो मैं पढ़ ये रहा हूं लेकिन उसको पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, तो ये डिफिकल्टी लेवल जो है ना डे बाय डे आपकी खत्म होती जाएगी और आप जो है कॉन्फिडेंस में जाते जाएंगे और आपका स्तर बहुत अच्छा होता जाएगा। एक प्राचीन भारत हो गया सर, दूसरा कौन सा? एक प्राचीन भारत का विषय वस्तु स्टार्ट होगा आपका, दूसरा पर्यावरण की विषय वस्तु आपकी स्टार्ट होगी, एनवायरमेंट एक बहुत मेजर टॉपिक है और एनवायरमेंट भी आपका साथ में स्टार्ट, दो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आईआर आपका, मैं अलग से वो क्लास एक टाइम ड्यूरेशन आपको सारा बांट के दे दूंगा, एक करंट अफेयर्स की क्लास होगी आपकी, जिसमें करंट को लेकर के जैसे मैं करवा रहा था उसको अब रेगुलर कर देंगे, और एक आपका आंसर राइटिंग का जो है पूरा का पूरा सेशन, बस इतना इनफ है, इतना कर लो, और टेस्ट सीरीज को लेकर मैंने बोला था आप लोगों को, टेस्ट सीरीज में अभी आपको कल शेड्यूल दे दूंगा पूरा का पूरा, टेस्ट सीरीज आपकी मॉक टेस्ट दोनों फॉर्मेट में होंगे, जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा मैं ऑफलाइन भी लूंगा, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी आपकी कंडक्ट कराएंगे, और अभी आप लोगों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपकी हर संडे को नहीं रखेंगे, सैटरडे को रखेंगे टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सैटरडे को आप लोग आओगे यहीं पे टेस्ट आप ओपन करोगे, यहीं पे आप उसको दोगे आराम से बैठ के 2 घंटे घर पे, दो ना दो, और जो ऑनलाइन वाले हैं आप लोग को भी उस टाइम पे मैं लाइव भी रहूंगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको टेस्ट स्टार्ट करना है, टेस्ट स्टार्ट करवाने में सबको कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए संडे को जो टेस्ट था ये वाला इसको अभी मैंने पोस्टपोन किया, आप सैटरडे को ही टेस्ट रखेंगे और मैं अपने सामने लूंगा आपसे टेस्ट, ठीक है, आराम से यहाँ पे बैठ के 2 घंटे टेस्ट दे करके फिर आप जाओगे, किसी भी तरीके की आपको तकलीफ दिक्कत नहीं होगी, कि कोई भी टेक्निकल इशू आ गया कुछ भी आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वो देखो वो एक सिलेबस रिसर्च का पूरा सेक्शन है, अब मैं ये है कि थोड़ा सा वो काम डिले हो गया, जबकि उसको ये था कि अभी तक में 4-5 एपिसोड उसके आ जाने चाहिए थे, काम काफ़ी तक रेडी हो चुका है, बस ये है कि उसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बस इंतज़ार कर लो, अभी ये आपका इकोनॉमी का सब्जेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा, इकोनॉमी जैसे ही कम्प्लीट होता है मैं इस सप्ताह इकोनॉमी कम्प्लीट कर दूँगा आपका, ये लास्ट है मुझे ज़्यादा, आज मैं इकोनॉमी वाले बैच में बता दूंगा, कल से जो है डबल क्लासेस होंगी इकोनॉमी, ठीक है, कल से मतलब पहले सुबह मॉर्निंग सेशन भी होगा और साथ में आईआर के बाद फिर इकोनॉमी की क्लास होगी, तो कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक ही नहीं बचे आपके, निवेश मॉडल आज कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका वित्तीय बाजार है और विदेशी, मैं मतलब वित्तीय बाजार में भी काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं,
और ये जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो फॉरेन ट्रेड वगैरह में है, इसको बारे में भी मैंने चर्चा कर दी थी। भुगतान संतुलन, आपके जो चालू खाता क्या है, पूंजीगत खाता क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी हमारी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपको करना, बाकी इकोनॉमी में आपको केवल करंट करंट अपडेट करना रह जाएगा, ठीक है। तो बैचेज आपके अभी अनाउंस हो जाएंगे, आपके ऐप में ही एडमिशन का प्रोसीजर ऐप से ही रहेगा, ऐप में ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, जो आपका आज़ादी से अकेडमिक एप्लीकेशन है उसी में ही एडमिशन होंगे आपके, और उसी के थ्रू क्लासेस का जितना शेड्यूल है मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। 16 तारीख को वर्कशॉप सेशन रखेंगे, 17 को आपका कंटेंट, आपको जो मैं बताऊं कि भाई ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ये कंटेंट हो उसको रेडी करिए, इकट्ठा करिए, और 18 से फिर हम रेगुलर क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे। टारगेट रहेगा कि आपका 30 अगस्त तक मैं प्राचीन भारत कंप्लीट करूँ, ठीक है, हो जाएगा। इस बार गति से लेकर के चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये बस अपने साथ रख लीजिएगा, तैयारी आपकी, मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का तरीका ये है, सर ने एक्स्ट्रा भी करवाया है, मतलब यदि क्वेश्चन यहाँ से आज तक नहीं पूछे गए, यदि पूछे जाने की संभावना होगी मैं वो भी लेकर के चलूंगा। हाँ, प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चन हैं सारे घटनाचक्र से आपके कवर हो जाएंगे, तो प्रीलिम्स के लिए घटनाचक्र, मेंस के लिए आपकी बुक्स आती है, ठीक है। तो ये आपका अभी एक दो दिन में आपको सूचित कर दिया जाएगा, सारी जानकारी पूरी कंप्लीट। इतिहास के भी क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए आप साथ में, और उसी टॉपिक को, जैसे मान लीजिए मैंने शुरुआत में कोई टॉपिक पढ़ाया, तो उस टॉपिक को आपको क्या करना है कि इग्नू की बुकलेट से भी पढ़ना है, बस ये दिमाग में बैठा लो, इग्नू के बुकलेट से। और एक काम मैं और आपका चालू करने जा रहा हूँ, जो कि 18 से ही स्टार्ट होगा आपका, 18 या 17 को आ जाएगा, एनसीईआरटी आपकी जितनी है, लगभग 40 एनसीईआरटी हैं आपकी, ठीक है, लगभग लगभग, मतलब कोई बहुत पतली पतली एनसीईआरटी भी हैं, एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है, आपके फाउंडेशन को सही करती हैं, आपके बेसिक को अच्छा करती हैं, हर टॉपिक उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। तो मैं आप सभी का एक वीकली टारगेट चालू करने वाला हूं कि एक सप्ताह में एक एनसीईआरटी रीडिंग करनी है आपको, न याद करना मेमोराइज करना है उसको, रीडिंग करनी है। रीडिंग करने का मेथड मैंने आप लोगों को बता चुका है, तो इसके साप्ताहिक टारगेट होंगे, और एनसीईआरटी जितनी भी बुक्स हैं उस बुक में कौन सी बुक आपको किस सप्ताह पढ़नी है, ये मैं आपको क्रम से बताता जाऊंगा। आपका काम क्या है, जो मेथड मैंने बताया है इसको लेकर के सैटरडे को हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जो अभी अपकमिंग जो वर्कशॉप सेशन होगा उसमें रीडिंग प्रैक्टिस एक बार फिर से मैं करवाऊंगा कि कैसे रीडिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो रीडिंग के माध्यम से अब आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, जितनी एनसीईआरटी बुक होंगी, ओल्ड कौन सी पढ़नी है, न्यू कौन सी पढ़नी है, जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं आपको बता के जाऊंगा कि देखो इस सप्ताह ये वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, इसमें ये टॉपिक है, ये कवर हो जाएगा आपका, इसलिए इसको रिवाइज करना है आपको, तो आप उसको कंप्लीट रीड करके एक सप्ताह में, ज्यादा नहीं, एक दो घंटे निकालना डेली के रीडिंग के लिए, एक दो घंटे भी आप रीडिंग के लिए निकालने लग जाओगे तो एनसीईआरटी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का रीडिंग सेक्शन ये हम स्टार्ट करेंगे, और निश्चित तौर पर मैं, मुझे इतना भरोसा, इतना विश्वास है कि आप लोगों का काम हो जाएगा बहुत अच्छे से। हाँ, मैं जो क्लास कराऊँ उसी को जा करके आपको, एक तो देखो इसमें मैं एनसीईआरटी तो इस तरीके से पढ़वा दूंगा आपकी, तो एनसीईआरटी भी हिस्ट्री में पढ़नी पड़ती है, 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी है, है ना, कुछ लोग 6, 7, 8 की भी एनसीईआरटी बोलते हैं, देखो कंटेंट वही है, कोई अलग नहीं कि उसमें कंटेंट अलग है, मैं 6, 7, 8 की भी ओल्ड एनसीईआरटी आपको बताऊंगा, है ना, उसमें मृदुला मुखर्जी, रोमिला थापर, बहुत विपिन चंद्रा, इन तीनों के द्वारा बहुत अच्छे से लिखी गई है, वो बहुत पतली पतली है, आप चाहो तो एक बार में उसको रिवाइज कर लोगे। लेकिन 11th 12th की जो एनसीईआरटी है आपकी रामचरण शर्मा की है पहली, और दूसरी आपकी जो है सतीश चंद्रा की है, और तीसरी आपकी विपिन चंद्रा की है, ये तीन एनसीईआरटी अपने आप में की है, ये समझ लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे प्री मेंस में इन एनसीईआरटी से आ जाते हैं, तो ये एनसीईआरटी आपके फाउंडेशन को क्लियर करेंगे, आपको थॉट प्रोसेस सारी चीजें, है ना। और इसके बाद कुछ न्यू ऑप्शनल के लिए बता रहा हूँ, ऑप्शनल के लिए न्यू एनसीईआरटी जो 12th की है, तो वो मेरा काम रहेगा, मैं सप्ताह में आपको बता के जाऊंगा कि क्या ये है और इसको लेकर कैसे पढ़ना है, उसकी टेक्निक को लेकर के एक सेशन हम लेंगे यहाँ पे, उसका वीडियो पब्लिश होगा, उस सेशन में आप सीखोगे कि एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी का वीकली टारगेट अब प्रारंभ करने जा रहा हूँ मैं, जो कि आपका 17 जुलाई से स्टार्ट करूंगा, 17 जुलाई को देखो, एक बार संडे ही है ना, एक बार देख लो आप लोग डेट कैलेंडर, है ना, संडे, ठीक है। तो 16 तारीख को वर्कशॉप सेशन, उसी में हम रीडिंग स्किल सीखेंगे, वो वर्कशॉप सेशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेगा,
न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स की मैगजीन को लेकर कैसे आपको पढ़ना है उसको लेकर के भी सीखेंगे। उसमें कई सारी चीज़ें प्रैक्टिकल मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल आप पढ़ते हैं, है ना, पढ़ने का तरीका कैसे हो, चीज़ें याद कैसे हो, ये सारी चीज़ें कुछ पर्टिकुलर रूल्स को लेकर फिर हम स्टार्ट करेंगे जर्नी। एक साल के अंदर अंदर आपकी सारी एनसीईआरटी तो मुश्किल से 4-5 महीने में कवर कर लोगे यदि मैं बताता जाऊँ, बस उसका रीडिंग वैसे करते रहना जैसा मैं बताऊँ। एनसीईआरटी कवर हो गई, बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। एक तो फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा, चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल वे पे आपको समझ में आ जाएंगी, एक लैंग्वेज सीख जाओगे आप लोग, हिंदी की इरर आपकी कम होती जाएंगी, क्योंकि देखो हिंदी के साथ फिर आपका तारतम्य बैठ जाएगा ना, पढ़ोगे ना हिंदी आप मैक्सिमम टाइम, ठीक है, तो हिंदी के साथ तारतम्य बैठ जाएगा और आपको अच्छे से सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो हिंदी की एनसीईआरटी हम पूरी करेंगे, जितनी भी हैं साप्ताहिक स्तर पर कितनी करनी है सबको करना है, सारे लोग जितने लोग ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं आप लोग भी करोगे, मतलब आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा 18 के बाद, ये मान के चलो, क्योंकि एक एनसीईआरटी आपको टारगेट के तौर पे रहेगी। यहाँ पे दो सब्जेक्ट चल रहे होंगे, आंसर राइटिंग की क्लास चल रही होगी, इसके बाद आपको टेस्ट भी देना है सैटरडे को, हर सैटरडे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। उस टेस्ट में टॉपिक क्या होंगे, किस टॉपिक से आपका टेस्ट पूछा जाएगा, कैसे, वो सारे टॉपिक मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये टॉपिक आपको तैयार रखना है, इस सप्ताह इस टॉपिक का टेस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा मामला है कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, सी सेट रीजनिंग, हम सी सेट रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करवा देंगे। सी सेट रीजनिंग कहिएगा तो ये एनवायरनमेंट जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद सी सेट रीजनिंग स्टार्ट करा देते हैं। सी सेट रीजनिंग की क्लासेस आपकी हो जाएंगी, टेंशन ना लो। मैथ रीजनिंग बहुत शानदार तरीके से आपकी सी सेट वाले सेक्शन में करवाई गई है, बहुत शानदार तरीके से, और आप कहेंगे तो ऐश्वर्य अग्रवाल सर की कुछ लाइव सेशंस क्लासेस भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। अभी उसकी कुछ क्लासेस सी सेट की हम पब्लिश करने वाले हैं आजाद एस अकेडमी के चैनल पे, तो वो शायद मैं इसी वीक में शेड्यूल करवा दूंगा, तो आप एक बार देख भी सकते हैं कि कितना शानदार वो पढ़ा रहा है चीज़ों को लेकर। तो सी सेट आपका टेंशन नहीं लेना है, बट देखो मुद्दा मैथ रीजनिंग के साथ होता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। मैं मान लीजिए आपको रूल्स बता दी गई आपको कि ये रूल्स हैं, इस तरीके से आपको हल करना है, पर प्रैक्टिस मुद्दा तो ये भी है, सारा मैथ प्रैक्टिस ही है, है ना, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस कितनी है ये बहुत जरूरी है। हाँ, ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं, हाँ हिस्ट्री की क्लास भाई सब अपडेट होगी, आप लोग देखो टेंशन ना लिया करो। जब से आप लोग जुड़े हो, मेरे पास से स्टूडेंट जुड़े हैं 2016 से इस संस्था से, मतलब आईएएस का बैच हमने 2016 में लॉन्च किया था, 16 से लेके अब तक जो भी आज तक जुड़ा है सबको आज तक जोड़ के रखा गया है। पहली बात तो ये है, हमने आज तक कभी किसी को नहीं हटाया है, सब लोग साथ में जुड़े, ऐप कई बार अपडेट हुए, सब कुछ हुआ, अपग्रेड जिसने करा लिया सबको हमने आज तक जोड़ के रखा, और जो भी कंटेंट आपका यहाँ बनता है कम से कम इकोनॉमी 3-4 बार जा चुकी होगी, पॉलिटी 3-4 बार जा चुकी होगी, हर सब्जेक्ट मतलब जितनी बार यहाँ पढ़ाया जाएगा वो अपडेट हो जाएगा। अब उसमें दो तरीके की चिंताएं हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि अपडेट करना फर्ज है कि नहीं है, बताओ कंटेंट अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, बिना अपडेशन, क्योंकि अब एग्जाम की प्रवृत्ति चेंज हो रही है, चीजें बदल रही हैं, तो यदि हम अपडेट नहीं करेंगे ना आपके साथ अनजस्टिस हो जाएगा। ये जो आईआर है ये 7वीं बार पढ़ाई जा रही है संस्था में, 7वीं बार। अब जो बच्चा 16 का जुड़ा वो देख रहा है यार मेरा सारा कंटेंट मैंने पढ़ तो लिया, अभी नया आ गया, तो नया जो आ रहा है ना, तो नए को तो आपको क्या करना है, नए को कोई वो ऐसा काम थोड़ा ना करना है आप लोगों को, है ना, नए को आप देख लो कि आपके कंटेंट से क्या नया आया है, तो क्या नया आया है उसको अपडेट कर लो, रिवाइज कर लो, और यार नहीं चाहते तो मत देखो, आपने चूंकि ऑलरेडी क्लास कर रखी है। अब ये तो एक तो हमारी पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी हमने डेवलप की थी कि आपको हम साथ में लेकर के चलेंगे लास्ट तक, यदि ये पॉलिसी बनाई थी चाहते तो हम 1-2 साल बाद एक्सपायर हो जाती चीजें, कोई दिक्कत नहीं था फिर बाद में, तो अपडेशन का यदि आपके लिए बनाया गया कि आप अपडेट करा लीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एक से सारे बच्चे जितने भी हैं सब लोग जुड़े हुए, आज के टाइम पे 40,000 बच्चा है जो आईएएस का है, केवल आईएएस एग्जाम को लेकर के हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पीसीएस को लेकर कम से कम 60-70 हजार बच्चे होंगे, ठीक है। तो हम ये अपनी पॉलिसी, अब आप सोच रहे हो कि इसमें संस्थान को जानते हैं, एक बच्चे को जोड़ने का मतलब क्या होता है, लेकर के उसके द्वारा जो सर्वर पे डेटा रखा हुआ है ना, जब आप उसको देखते हैं तो उस पर भी बहुत सारा लोड आता है, उस पर भी बहुत सारा खर्च आता है, ये समझ लीजिए,
यहाँ पे मैं यदि 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 3000 रुपए में एक सब्जेक्ट आप लोग कंप्लीट पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स का पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सर्वर की भी कास्ट नहीं निकल पाती है। सर्वर जो आप कभी भी अमेजॉन क्लाउड और इन सर्वर के बारे में पता करिए, 4-4, 5-5 लाख रुपए तक इनके कॉस्टिंग निकलती, कई बार 1-1.5 लाख रुपए तो हर महीने जाता ही जाता है। लेकिन ये नहीं है मेरे मन में, है कि भाई आप लोग जब तक नहीं हो पाएंगे, बस अब आपको लग रहा हो कि भाई कंटेंट अपडेट हो रहा है, पूरा कंटेंट जो है नया आ गया, मैं फिर से पढ़ूं क्या करूं, मत पढ़ो। और यदि आप पढ़ना चाहो तो दोबारा पढ़ लो, आपके पास तो विकल्प दे दिया ना, वही कंटेंट फिर से आप परचेज करोगे, उससे अच्छा है कि अब आप जुड़े हो तो आप करते जाओ उसको, ठीक है। इस माइंडसेट से आपको लेकर के चल रहे हैं। आप कब से जुड़े थे? 1.5 साल हो गए। कंटेंट में चेंज आया है कुछ? पहले से चेंज हुआ है ना कंटेंट? सब्जेक्ट वाइज चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए? सब्जेक्ट जो भी थे, जैसे मान लीजिए पॉलिटी है आपकी, पहले की पॉलिटी और अब की पॉलिटी में चेंज आपको है। इकोनॉमी अब चेंज हो गई पूरी की पूरी इकोनॉमी, जबकि पिछले साल भी चेंज हुई थी। पिछले साल पढ़ाया गया था 2021-22 के बजट में, इस बार 22-23 के बजट में पढ़ा के पूरा का पूरा चेंज हुआ। IR आपका पूरा का पूरा अब चेंज हो गया, पिछले साल भी IR पढ़ाया गया था, जस्ट पिछले साल रविंद्र सर ने कंप्लीट कराया था, इस साल मैं कंप्लीट करा रहा हूँ आपका। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, आपका इंटरनल सिक्योरिटी चेंज हो गया, आपका इथिक्स पहले रविंद्र सर का था, इथिक्स फिर मेरा आया, अभी मैंने कंप्लीट कराया, फिर से इथिक्स आएगा, अगेन पढ़ाऊंगा मैं तो आपके लिए अपडेट। और इथिक्स मैंने एक एक टॉपिक पढ़ाया, जैसे सिलेबस में कोई टॉपिक लिखा है ना, मैंने उसी टॉपिक को पढ़ाया, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक मैच करना आप कभी अपने इथिक्स के सिलेबस को, एक एक शब्द हाँ, कि कोई भी ऐसा टर्म्स मैंने नहीं छोड़ा जो सिलेबस में लिखा हो और मैंने उसको एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया ना हो। मैंने सिलेबस में खुद ऐसे एक एक शब्द ऐसे से, आप करिए उसको, पता करिए कि मैं किस तरीके से आप लोग को लेके चल रहा हूँ। हिस्ट्री में एक एक शब्द आपको पढ़ाया मैंने, इतिहास में एक एक शब्द जो उसमें सिलेबस में आपके दिया गया है और उसको एक्सप्लेन करके, कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी। तो मेरी मानसिकता है कि थोड़ा सा लेट हो लेकिन आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट मैं पहुंचा पाऊं। अब उसके लिए मैं अपग्रेड करता रहता हूं टाइम टू टाइम पे। ये एक हर टीचर के लिए जरूरी होता है कि वो आप लोगों के लिए सब चाहते हैं, कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर मैं ही कर रहा हूं, सब करते हैं चीज को। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप भी उसको ईमानदारी पूर्वक कर लें, ठीक है। तो अब जो है, अब जैसे मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर जो है इस चीज को लेकर कहता कि, मैं हमेशा कहता हूँ एक एडवांस बुक साथ में जरूर पढ़ो। यदि मैं क्लास करवा रहा हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो करवा रहा हूँ उसमें हम कहीं पे दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं, हम टॉपिक पे हैं, सिलेबस पे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पर मुझे ये लग रहा है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं हूँ इस चीज के, मुझे लग रहा है कि एक बुक पढ़ लोगे तो समग्रता आ जाएगी आपके अंदर, दोनों मिल जाएंगे, यदि बुक और मेरी क्लास दोनों मिल गए फिर आपको कोई नहीं छोड़ने वाला। इसलिए एक किताब जरूर पढ़ना है आपको, एडवांस बुक हर सब्जेक्ट पे, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। और एटलीस्ट इस चीज पे बहुत बड़ा एक वो है, सबको लगता है बस बुक के लिए कोई सजेस्ट नहीं करेगा, बुक लिस्ट तो बता देंगे। इसलिए मैं हमेशा टारगेट वीडियो में एक बुक लिस्ट भी बताता हूँ कि ये बुक भी इतने पेज आपको साथ में करनी है, क्योंकि पुस्तक की लैंग्वेज जो होगी, उसकी जो भाषा होगी वो भी आप सीखोगे, आपके हिंदी में बदलाव आएगा, एक बड़ा चेंज आपको मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो है आपको ये कार्य हम लोग करेंगे, रेगुलरली इसको लेकर के चलिए, सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपका टाइमली आपको होता जाएगा। देखो जिनके पास भी जो भी बैच से जुड़े हुए हैं, आपको अपडेट कराना है, आप अपडेट करवाएंगे, अपडेशन को लेकर के आपको, यदि देखिए आपने फाउंडेशन बैच लिया होगा तो उसकी एक शुल्क है, या प्री का मेंस बैच, मेंस ओनली बैच की एक शुल्क है, लेकिन अपडेशन की कोई शुल्क नहीं है। अपडेशन एक न्यूनतम 200-300-400 रुपए सर्वर चार्ज जाता है। जब आपको ऐड करवाया जाता है तो ऐड करवाने का, जैसे एक होता है सिस्टम से आप एग्जिट हो गए, बहुत सारे बच्चे होते हैं अभी, जैसे यही मान लो इकोनॉमी की क्लास थी, एक लंबा टाइम लगा, अब समझिए इसमें सर्वर की कॉस्टिंग क्या आ रही होगी, 400-500 रुपए का क्लास का चार्जेस था, लेकिन हम मल्टीपल टाइम आपको एक्सटेंड करते जाएंगे, जितना समय लगेगा कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यदि आप ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, आपको लगता है कि 2 साल बाद आपका एग्जिट गेटवे है, तो आप उसको अपडेट करवा लीजिए, इसके बाद फिर आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल बढ़ जाएगा, उसको लेकर कभी भी नहीं है, वो सभी के लिए है। बस एक छोटी सी सर्वर कास्ट आपको देनी होती है, कंटेंट का कोई चार्ज नहीं है, जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसका चार्ज आप लोग देते हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कि एटलीस्ट आपसे अलग से कोई चीज ली जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए मैं अब आप लोगों का जो एक आंसर राइटिंग का सेशन है, आज जो है हमें किस टॉपिक पे आंसर राइटिंग करनी थी।